आज कोरिया और जशपुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल कोरिया में रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सीएम शिवराज का इंदौर दौरा, आज करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात, 1045 करोड़ के 17 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। इंदौर में G20 की पहली बैठक, आज कृषि कार्य समूह की होगी बैठक, 15 फरवरी तक विशेषज्ञ कृषि विकास पर करेंगे मंथन, सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। आज बागेश्वर धाम जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ, कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से करेंगे मुलाकात, छतरपुर और पन्ना जिले का करेंगे दौरा। एमपी में ठंड ने फिर दी दस्तक, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद एमपी में भी दिखा ठंड का असर, कई जिलों में चल रही सर्द हवाएं। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां आज कोरिया जशपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें, सुबह 11:30 बजे कोरिया जिले के बैकुंठपुर के लिए रवाना होंगे सीएम, साथ ही कोरिया कुमार चौक में रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण सीएम भूपेश बघेल की ओर से किया जाएगा और कई अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर 2:30 बजे के आसपास ग्राम मयाली में युवा महोत्सव 2023 में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। यहां मड हाउस, कैक्टस गार्डन का अवलोकन किया जाएगा, साथ ही मधेश्वर महादेव ऐतिहासिक सलामी गुफा में दर्शन भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज सीएम भूपेश बघेल का कोरिया और जशपुर दौरा है, इस दौरे में कई अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। बता दें, मधेश्वर महादेव ऐतिहासिक सलामी गुफा के भी दर्शन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मड हाउस और कैक्टस गार्डन का भी अवलोकन करेंगे और साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। रायपुर से मेरे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज सीएम भूपेश बघेल का कोरिया और जशपुर दौरा है, किन मायनों में अहम? जी, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोरिया और जशपुर जिले का दौरा है। निश्चित रूप से यह काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि लगातार आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। भूमि पूजन भी करेंगे, मूर्ति का अनावरण कर भी करेंगे, कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि निर्धारित दौरे के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर से कोरिया के बैकुंठपुर जिले के लिए रवाना होंगे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12:00 बजे बैकुंठपुर पहुँचेंगे। वहाँ कोरिया में जो है कुमार चौक में जो है रामचंद्र सिंहदेव की मूर्ति का जो है अनावरण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न कार्यक्रमों का जो है लोकार्पण करेंगे। वहीं आपको बता दें 12:50 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पैलेस ग्राउंड स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की मूर्ति का जो है अनावरण करने के पश्चात जो है उनकी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 2:35 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मयाली में युवा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो 2023 का युवा महोत्सव है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। वहीं आपको मड हाउस में कैटर्स गार्डन का अवलोकन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मधेश्वर महादेव ऐतिहासिक सलामी गुफाओं का दर्शन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान द्वारा आयोजित मेला में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि कई स्टॉल लगाए गए हैं उस मेले में, उस मेले का जो है अनावरण करेंगे। वहीं शासन की योजनाओं के संबंधित जो है सामग्री का भी वितरण करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आएंगे, और साथ ही कई विभिन्न भूमि पूजन करेंगे और जो है कई मूर्तियों का अनावरण भी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि शाम 5:05 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर वापस हो जाएंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, जिनमें वो आज शिरकत देंगे। जी, कैसे कई कार्यक्रम हैं जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। नितिन हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट्स ली जाएंगी। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं सहायक शिक्षक। आज धमतरी जिले के सहायक शिक्षक प्रदर्शन करेंगे, वेतन विसंगति को दूर करने की मांग लगातार की जा रही है और अलग अलग दिन अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं सहायक शिक्षक। बता दें, आज धमतरी जिले के सहायक शिक्षक प्रदर्शन करने वाले हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन प्रदर्शन जो है वो लगातार
किया जा रहा है। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर सहायक शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक जुटे हुए हैं जो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन आज धमतरी जिले से देखा जाएगा। मेरे सहयोगी नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, सहायक शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज धमतरी जिले में बड़ा प्रदर्शन होगा, कितने सहायक शिक्षक जुटेंगे इस प्रदर्शन में? जी देखिए, सहायक शिक्षक लगातार अपनी एक सूत्री मांग, वेतन विसंगति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वहीं आपको बता दें कि सहायक शिक्षक आज धमतरी जिले में जो है प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि छठवें दिन राजधानी रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए। प्रदेश भर के 5 संभाग के जो है सहायक शिक्षक राजधानी रायपुर में जो है शिरकत करते नजर आए। मुख्यमंत्री निवास से घेराव करने के लिए लगातार निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उनको जो है पुलिस ने रोक दिया। वहीं आज जो है रायपुर के समीप धमतरी में जो है सहायक शिक्षक अपनी एक सूत्रीय मांग, वेतन विसंगति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि लगभग 20,000 से ज़्यादा उनकी संख्या होने वाली है, क्योंकि कुछ और भी जिलों के लोग जो यहाँ के पदाधिकारी हैं सहायक शिक्षक के, वो वहाँ पे जो है नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि लगातार इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर खासा असर देखने को मिला, क्योंकि किसी भी स्कूल में सहायक शिक्षक अब जा नहीं रहे हैं क्योंकि उनके हड़ताल चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हड़ताल चलने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये इनका आंदोलन काफ़ी एक बड़ा जो है उग्र आंदोलन होने वाला है, क्योंकि ये इन्होंने ठान ली है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। नितिन, देखिए, लगातार वेतन विसंगति की मांग को लेकर प्रदर्शन तो किया जा रहा है, लेकिन लगातार बड़ी संख्या में वहां पर शिक्षक पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। बढ़ते आगे, जहां सीएम बघेल का बीजेपी पर हमला सामने आया है, कहा धर्म के नाम पर वोट मांगती है बीजेपी, हिंदुओं के हित में कोई काम नहीं किया है। नक्सलवाद पर भी सीएम बघेल ने बड़ा बयान दिया, कहा कमजोर हुए हैं नक्सली, हमने 600 गांव को नक्सल मुक्त किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। नड्डा जी आए थे और उन्होंने जो नक्सली घटना में जिनकी मृत्यु हुई उनको शहादत दी, अच्छी बात है, उनको नमन किया। लेकिन जो रोड एक्सीडेंट है उसमें भी शामिल कर दिए, जबकि उसकी जो रोड एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हुई थी जगदलपुर में, वो गाड़ी भी पकड़ा गया, वो व्यक्ति भी पकड़ा गया, वो जेल भी है। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ मेरी गाड़ी से हुआ, तो उसको कैसे नक्सली घटना से जोड़ते हैं? नक्सली पीछे हटे हैं इसमें कोई शक नहीं। अब पहले वो हमला करते थे सामूहिक रूप से, अब उसने अपनी रणनीति बदली है कि घर में जाओ और किसी गोली मार के आ जाओ या उसकी हत्या करके आ जाओ, तो इसका मतलब यह है उसकी ताकत कम हुई है, कमज़ोर हुए हैं और सिमट भी गया है। आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो लगभग 600 गांव हमने नक्सलियों को खाली कराया है। ये हमारी वीर बहादुर जवानों के ताकत है और हमारी, और इसमें कौन सा षड्यंत्र है ये बताएं? ये षड्यंत्र है भाई, देखिए भीमा मंडावी जी की जो हत्या हुई हमारी पुलिस जांच कर रहे थे, इन्होंने NIA भेजा, NIA की रिपोर्ट में क्या है तो किसी को पता है? अब यदि इस घटने को भी आप चाहें, NIA तो ले सकती है, वो तो बिना राज्य सरकार की सहमति से लेती है, उसे करा ले जांच, हमको कोई इतराज थोड़ी है। सेंट्रल की एजेंसी जांच करा ली इस घटना की, हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि ये धर्म के नाम से वोट भर ले सकते हैं, उनके हित में कोई काम नहीं कर सकते। हिंदू और हिंदुत्व के नाम से वोट लेने का काम किया, सरकार में आए, एक बार नहीं दो बार आए, लेकिन लोगों को मिला क्या? महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, हिंसा, इसके अलावा मिला क्या देश को? और फिर ये कभी गाय माता की जय बोलते हैं, गाय माता के नाम से वोट भी ले लेते हैं, लेकिन सेवा, सेवा के नाम से जीरो सेवा। तो हम लोग कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में सेवा कर रही गौ माता की, और निरंतर हम लोग उस पर जोर दे रहे हैं कि और कैसे बेहतर किया जा सके।
खबर रायपुर से है, जो आदिवासी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल 32 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचा, लेकिन इनकी राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात नहीं हो सकी। प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन के अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि अब राज्यपाल बदल गए हैं तो उनकी मांग पूरी होने में और समय लगेगा। इनकी मांग है कि आरक्षण विधेयक पर जल्द से जल्द राज्यपाल का हस्ताक्षर हो। तीस जनवरी 2023 से दंतेवाड़ा से रायपुर तक आरक्षण के संबंध में पदयात्रा करी और आज हम रायपुर पहुँचे। और इससे पहले हमने कुछ दिन पहले महामहिम जी से मुलाकात करने के लिए एक पत्र भी लगाया था, लेकिन उसका कुछ राजभवन से रिप्लाई नहीं आया। और इस बार भी हम आए और राजभवन के स्टाफ ने हमसे हमारा ज्ञापन ले लिया, पर अभी भी महामहिम जी से मुलाकात नहीं हुआ है। और सुबह ही हमें पता चला कि राज्यपाल छत्तीसगढ़ के बदल गए हैं, अब कोई और हो गए हैं, तो अब समझ से परे कि हम करें तो करें क्या। तो वही राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल उइके ने आरिफ मोहम्मद खान के छत्तीसगढ़ आगमन पर खुशी जाहिर की, उनको शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे का हाल जाना और देश प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर चर्चा इस शिष्टाचार मुलाकात में की गई। बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल रमेश बैस को बधाई दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी गई। सीएम ने सोशल मीडिया पर गाढ़ा गाढ़ा बधाई प्रेषित किया। रमेश बैस ने आगे बढ़ते रहने की भी कामना की है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमर छत्तीसगढ़िया माटी पुत्र रमेश बैस जिला महाराष्ट्र के राज्यपाल बने के गाढ़ा गाढ़ा बधाई, आपके लगातार आगू बढ़े की कामना है। खबर कवर्धा से है, जहां छत्तीसगढ़ महालेखाकर के 3 अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर साइकिल यात्रा शुरू की है। यह यात्रा पर्यावरण संरक्षण, ईंधन की बचत और सेफ हेल्थ के संदेश देने के लिए शुरू की गई है। इस साइकिल यात्रा की औपचारिक शुरुआत कवर्धा के आउटर डोर स्टेडियम से हुई, जो काशी तक होगा। यह यात्रा करीब 700 किलोमीटर की होगी। कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इस साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली है। रायपुर के जयस्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में सभी जुटे और प्रदर्शन किया गया। बस्तर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। नक्सली हिंसा और लचर कानून व्यवस्था के विरोध में रैली निकाली गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए और लगातार नारेबाजी की गई है। देखिए किस तरह से मशाल लेकर यहां पर रैली निकाली गई। नक्सली द्वारा नेता की हत्या करने के बाद यहां पर आक्रोश देखा गया है और सड़कों पर पोस्टर्स और मशाल लेकर रैली को निकाला गया। जबलपुर में 200 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। नशीले इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर के साथ कई जिलों में इंजेक्शन बेचा करते थे। लाटगांज थाना अंतर्गत पूर्ण मोहल्ले से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पुलिस से लगातार मामले को लेकर पूछताछ भी कर रही है। जबलपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां 200 से ज्यादा नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और साथ ही 2 आरोपियों को भी बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया है। हिंकुल गांव के जंगलों में शव पड़ा हुआ मिला। मुखबिरी के शक में पूर्व सरपंच की हत्या की गई है। दंतेवाड़ा जिले के हितामेटा गांव का था पूर्व सरपंच, जिसे नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया है। धारदार हथियार से गला रेतकर मौत के घाट उतारा गया है। बता दें, जंगल में शव मिला, जिसके बाद अब लगातार मामले की जांच की जा रही है। दंतेवाड़ा जिले के हितामेटा गांव का पूर्व सरपंच था, जिसे नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया है।
खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। जवानों ने बरामद किया 3 किलो आईडी, आईडी को बीडीएस की टीम ने डिफ्यूज भी कर दिया है। बड़ी खबर है बीजापुर से, जवानों ने नक्सलियों की कायराना करतूत नाकाम कर दी है। बता दें 3 किलो आईडी डिफ्यूज जवानों की ओर से किया गया है और बीडीएस की टीम ने आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। नक्सलियों ने आईडी बम को प्लांट किया था, लेकिन अब उनकी ये प्लानिंग पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, क्योंकि जवानों ने 3 किलो आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है और बीडीएस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खबर कांगेर से है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आलदंड के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की खबर भी सामने आई। गश्त पर निकली थी बीएसएफ और पुलिस की टीम। एसपी शलभ सिन्हा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है और इस मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। देखिए 3 तस्वीरें नक्सलियों के नापाक मंसूबे यहां पर नजर आ रहे हैं। पूर्व सरपंच की गला रेतकर हत्या कर दी गई है, लेकिन पहली तस्वीर में नक्सलियों ने 3 किलो आईडी बम प्लांट किया था, लेकिन जवानों ने उनकी साजिश को नाकाम करते हुए आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। तो वहीं तीसरी तस्वीर कांकेर से है, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई, वहां पर 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। खबर नारायणपुर से है, जहां पूर्व मंत्री केदार कश्यप समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार की नाकामी और विफलता के खिलाफ जयस्तंभ चौक पर मौन धरना दिया। प्रदेश में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, लगातार उसके खिलाफ ये मौन धरना दिया गया है। बता दें कि पिछले 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मौन धरना दिया है। सरकार से बीजेपी ने सुरक्षा की मांग भी की है। 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है। देखिए, जिस तरीके से पूरे बस्तर में हमारे नेताओं की सुनियोजित तरीके से हत्या हो रही है और जिस तरीके से सुरक्षा की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, 1 महीने के भीतर में 4 से ऊपर कहते हैं हत्या हो चुकी है और कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। कहीं ना कहीं से ये पूरा जो घटनाक्रम है ये राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से सरकार इन सब मामलों को दबाने में लगी हुई है। सरकार आज उन लोगों की सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने कभी, हमारी पार्टी ने कभी व्यक्ति या पार्टी को नहीं देखा, बल्कि सुरक्षा को पहले महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां 12 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों को पुलिस ने शहर में घुमाया। आजाद चौक सरस्वती नगर अमानाका से गिरफ्तारी हुई है। आजाद चौक थाने से 4 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। सरस्वती नगर थाने से 4 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई। अमानाका थाने से 4 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर 12 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूरे शहर में पुलिस ने इन बदमाशों को घुमाया। देखे तस्वीरें और अलग अलग जगह से इन 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। खबर जशपुर से है, जहां जिले के पत्थलगांव में झाड़फूंक करने वाले बैगा भूकन तिर्की की हत्या के आरोपी सुखी राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सरगुजा जिले के राताखांड गांव का रहने वाला है और वो तांत्रिक बैगा भूकन तिर्की से अपनी पत्नी का इलाज कराता था, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होने की बजाय और खराब हो गई, जिस वजह से सुखी राम ने तांत्रिक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। राताखांड सीतापुर का निवासी है सुखी राम, जिसका जिसकी बीवी का समस्या था, मानसिक समस्या था, जिसका इलाज वह करा रहा था मृतक भूखन राम से। और मृतक भूखन राम ने उससे कहा था कि आपकी बीवी को किसी ने मोहनी दिया हुआ है, उस मोहनी को मैं लौटाने का काम करूँगा। लेकिन इस इलाज के दौरान उसकी बीवी की मानसिक स्थिति और खराब हो गई। भूखन राम ने भी देश में आकर के उससे गाली गलौज किया था
जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी सुखी राम था उसके पास में पड़े हुए डंडे से भूखा राम को लगातार वार किया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। अब बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त कर ली गई हैं। ऑटो में ले जाए जा रहे थे नशे के इंजेक्शन और टैबलेट के साथ चार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में दो महिला सहित दो नाबालिग शामिल हैं। 2000 नगद प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। ब्यूरो नॉरफिल जब्त की गई है, साथ ही मेडिसिन और 5 मोबाइल भी जब्त किए गए। नशीली दवाइयों के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में दो महिला सहित दो नाबालिग शामिल हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खबर कोरिया से है, जहां खदान में हुई मौत पर SECL प्रबंधन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। खान सुरक्षा की रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज की गई है। बता दें, 3 साल पहले चर्चा कॉलोनी में घटना हुई थी। ऑपरेटिंग करते समय डिस्चार्ज ड्रम में फंसने से मौत हो गई थी। पुलिस ने खान प्रबंधक, शिफ्ट इंचार्ज, बेल्ट इंचार्ज और सेफ्टी ऑफिसर के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है। खबर धमतरी से है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गैंग को धर दबोचा है। दोपहिया वाहनों के चोर गिरोह का गिरफ्तार किया गया है। एक नाबालिग सहित चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। खासकर साइबर सेल, तकनीकी और थाना कोतवाली की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पकड़े गए आरोपियों से 3 एक्टिवा और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बढ़ते आगे, जहां छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का आंदोलन अभी भी जारी है। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रही हैं। रायपुर जिले के अलग अलग सेक्टरों में कार्यकर्ता धरने पर बैठी हुई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांग है कि उन्हें कलेक्टर दर पर वेतन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के रूप में दर्जा और वेतन दिया जाए, साथ ही सेवा समाप्ति के बाद 5 लाख दिए जाए। अब बड़ी खबर कोरबा से है, जहां हादसे के बाद परिवहन विभाग की नींद टूट गई है। जिला परिवहन अधिकारी जांच के लिए जैन पब्लिक स्कूल पहुंचे। जांच के दौरान स्कूली वाहनों की परमिट सहित कई खामियां सामने आई हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ 66,000 रुपए का जुर्माना भी दिया गया है। शुक्रवार को जैन पब्लिक स्कूल बस में भीषण आग लगी थी, जिसके बाद अब जांच की गई है। चालक की सतर्कता से बाल बाल बचे थे छात्र। विभाग की कार्रवाई से अन्य निजी स्कूल प्रबंधन में हड़कंप देखा जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए धमतरी RTO ने स्कूल वाहनों की जांच शुरू की है। बता दें, जिले में करीब 100 की संख्या में स्कूल वाहन हैं। पहले 100 में 25 वाहनों की जांच की गई, जिसमें सुरक्षा संबंधी गंभीर खामियां सामने आई हैं। कई बसों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं थे, किसी में कैमरा खराब और टूटा मिला तो किसी में अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके थे। इसके अलावा वाहन चालकों की सेहत को भी डॉक्टरों ने जांचा परखा। RTO ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो खामियां सामने आई हैं, उनमें नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज ये स्कूल बसों के फिटनेस चेक कर रहे थे, जिसमें रूटीन पे कम है ये, है ना। और अभी तक 30-32 बस आ चुकी है अपने पास, है ना। जो है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार जिन जो वो हैं उसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 100 गाड़ी है टोटल स्कूल बस, जिसमें 30 गाड़ी आई है, बाकी गाड़ी जो अगले संडे को आएगी। रैंडम चेक भी होता है, ये हमारा फ्लाइंग स्क्वाड रैंडम चेक भी करता है इसको। तो सर, गाड़ी का रूटीन चेकअप होता है, फिटनेस परमिट इंश्योरेंस उसके लिए बुलाया गया था। हम लोग लाए 10 बसें लाए हैं। फिटनेस परमिट इंश्योरेंस, गाड़ी का लाइसेंस और ड्राइवरों का मेडिकल चेकअप होता है, शुगर और ब्लड का टेस्ट होता है और आई टेस्ट होता है। एक अच्छा पहले ये सब होना चाहिए, ब्लड आई टेस्ट सब। तो चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।